नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेसन में हम भाषा क्या है यानी भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और लिपि किसे कहते हैं, इनका परिचय जानेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वह अपनी बातें जो है दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बातें स्वयं समझना चाहता है और लोगों के बीच होने वाले विचारों का या आदान प्रदान जो है वो संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण में हम कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इशारों के द्वारा, ताली बजाकर, बोलकर। तो सबसे ज्यादा जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वो है भाषा। तो देखिए, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा की रचना जो है वो विभिन्न ध्वनियों के संयोग से होती है और विभिन्न ध्वनियों के संयोग से बनने वाले सार्थक शब्द, सार्थक यानी जिसका अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द ही भाषा की रचना करते हैं। सार्थक शब्द जैसे तीन वर्ण है, क, ल और म। अब इनसे शब्द बनता है कमल, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि कमल का फूल, अथवा किसी लड़के का नाम हो गया, अथवा मैं कहता हूं कलम, कलम यानी पेन, तो अर्थ निकल रहा है तो वो भाषा है। अगर इनसे ही मिला के मैं लिखता हूं लकम, तो ये शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्द वही होता है जो सार्थक होता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ निकलता है। अब दूसरी बात है लिपि। लिपि किसे कहते हैं कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे ये निश्चित चिन्ह है, ये एक लिपि है, देवनागरी लिपि हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि। देखिए, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा जैसे अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि, तो भाषाओं के को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अब है भाषा और व्याकरण, यानी व्याकरण क्या चीज है। देखिए, कोई भी जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे भाषा भी एक व्यवस्था है, विचारों के आदान प्रदान की व्यवस्था। जैसे भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र एक व्यवस्था है और उसको चलाने के कुछ नियम है। उसी प्रकार भाषा भी एक व्यवस्था है। महत्वपूर्ण बात इसको समझना आप, भाषा क्या है, एक व्यवस्था है विचारों के आदान प्रदान की। अब जहां भी कोई व्यवस्था होगी वहां नियम भी होंगे, जहां व्यवस्था होगी वहां नियम होंगे, और ये नियम ही उस भाषा को नियंत्रित करते हैं। और ये नियम हमें यह भी बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। तो व्याकरण मुख्यतः भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। भाषा के जो नियम है उनका संकलन और विश्लेषण जो है वो व्याकरण के अंतर्गत होता है और इन नियमों को स्थिर करता है। तो इसकी परिभाषा कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप बोलना, समझना, लिखना। भाषा का सर्वमान्य और मानक रूप, सर्वमान्य जो सबके लिए मान्य हो ताकि उसका अर्थ सही निकल सके, अर्थ का अनर्थ न हो,
इसके लिए उसका सर्वमान्य मानक रूप बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना आता है। और व्याकरण के जो नियम है वो समाज के द्वारा ही निकलते हैं, चलन के द्वारा उसमें समय समय पर परिवर्तन होते हैं। भाषा अपने विकास काल में नए शब्दों को ग्रहण करती है, पुरानों को त्यागती है, और इनको कोई व्याकरण यानी जो व्याकरण का ज्ञाता है वो उन नियमों को नहीं बना करके अपने विकास काल के द्वारा भाषा जो है वो स्वयं ही इन नियमों का निर्माण करती है। धन्यवाद दोस्तों।